वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। देखिए, स्पेलिंग टेस्ट की बात चल रही थी और हमने आपको बताया कि स्पेलिंग टेस्ट को यदि आपको सही करना है इस सेक्शन को, तो स्पेलिंग सही करने का कुल मिलाकर हमने दो तरीका बताया था। एक ये कि आप उसको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, दूसरी चीज़ ये कि आप अपने मित्रों में, अपने दोस्तों के बीच उस स्पेलिंग को पूछते रहिए कंटिन्यू, और उससे क्या होगा कि आप उनको तुरंत बता देंगे तो आपका वहाँ पर पक्का हो जाएगा, और साथ ही साथ आप उसको स्पेलिंग लिख के बताएँगे जब भी बताएँगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग आपको मिलेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और कुछ आने की भी संभावनाएं हैं, तो चलिए इनको लिख लीजिएगा आप। पहले समझ लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट यहाँ पे हमने लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता या कि फिर दुश्मनी। स्पेलिंग ध्यान देंगे, ENMITY, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलता है और ये आपके एग्ज़ाम में एयरफोर्स नेवी में कई बार आ चुका है, तो ये वर्ड है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, यानी कि कुछ करने या कि फिर कुछ पाने का अधिकार जो रखता हो उसको एलिजिबल बोलते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें एलिजिबिलिटी दी होती है, तो उसका स्पेलिंग है एलिजिबल। यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है, इसका मतलब होता है योग्यता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है एग्जिस्टेंट। एग्जिस्टेंट का मतलब होता है मौजूदगी, यानी कि विद्यमान। कोई भी चीज़ क्या है, मौजूद है या कि विद्यमान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको स्पेलिंग टेस्ट में भी देखने को मिलेगा और साइनोनिम और साथ ही साथ एंटोनिम में भी देखने को ये मिलता है, खास करके एंटोनिम और स्पेलिंग टेस्ट में ये कई बार पूछा जा चुका है। एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेलिंग देख लीजिएगा, EXTRAVAGANT। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची। देखिए, इन वर्ड को यदि आप डेली की लाइफ में यदि प्रयोग करेंगे तो ये ज़्यादा आसान होगा और याद होगा और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। जब भी आप फिजूल खर्ची करें तो आपको ये वर्ड याद आना चाहिए कि एक्स्ट्रावेगेंट हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची। यदि एंटोनिम की बात करेंगे तो मैं इसको करा चुका हूँ, एंटोनिम में इसका मॉडरेट आ जाता है या रीजनेबल, ठीक है, इसका एंटोनिम होता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा देखिए यहाँ पर है फैसिनेट, सॉरी यहाँ पे पाँचवें नंबर में दिया है फैसिलिएट। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी बात को संभव या आसान बनाना। फैसिलिटेट का मतलब किसी बात को संभव या कि फिर आसान बताना। FACILATE, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ग्लैमरस। ये स्पेलिंग टेस्ट में कई बार पूछा जा चुका है, GLAMOROUS। ग्लैमरस का मतलब होता है आकर्षण। यदि इसके साइनोनिम की हम बात करेंगे तो इसका होता है कैची, यानी CATECHY, और गुड होता है या कि फिर लाइकेबल, ठीक है। सातवां जो वर्ड यहाँ पे हमने लिया है ये है फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब होता है मोहित करना। फैसिनेट का मतलब मोहित करना, FASCINATE। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। और लास्ट है आज के लिए फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूल। ये खास करके मौसम के सेंस में प्रयोग किया जाता है कि वेदर जो है बहुत फेवरेबल है या कि फिर किसी चीज़ को पसंद करते हैं जब, तो उसके सेंस में प्रयोग किया जाता है फेवरेबल। इसका मतलब होता है अनुकूल। स्पेलिंग देख लीजिएगा, FAVOURABLE, ठीक है। तो यदि आप इन सब चीज़ों का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, बाकी टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।